नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे घर में किस तरीके से तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही मान्यता दी गई है, यह तो आप सभी लोग जानते हैं भली भांति। यही कारण है कि यह पौधा लगभग आपको लगभग सभी घरों में मिल जाएगा। तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है, माता तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर तुलसी के पत्तों में रोग नाशक की क्षमता भी पाई जाती है, अर्थात औषधि के रूप में भी इनके पत्तों का यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर के अंदर रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा आपको किसी अनहोनी का संकेत भी दे सकता है। दोस्तों, तो किस तरीके की तुलसी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो यह दरिद्रता का संकेत देता है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए आप अपने घर की तुलसी को सूखने बिल्कुल भी नहीं दें, उसकी नियमित रूप से आप सेवा करें। यदि किसी के कारण तुलसी सूख भी जाती है तो उसे घर पर ना रखें, इसे जल प्रवाहित करके एक अन्य नया पौधा आप अपने घर आंगन में लगाएं। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान दें कि आपके घर में कभी भी तुलसी का पौधा सूखे नहीं, और इसके अलावा पीली हुई तुलसी भी आपको नहीं रखनी है, अर्थात कई बार तुलसी के पत्ते पीले या काले पड़ जाते हैं, ऐसा आना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, इसलिए यदि आपके घर की तुलसी के पत्ते पीले पड़ने लग जाए हैं तो उसे आप नियमित रूप से हटा दें। पीले पत्तों को आप निकाल दें पौधे के अंदर से, और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की आप सेवा करें, पानी दे, खाद दे उसमें, और जो भी पीले पत्ते हैं उन्हें नियमित रूप से आप हटाते रहें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ाएंगे और आपके घर के लिए शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में तुलसी में मंजरी यदि ज्यादा आती है तो आपको उसे भी हटा देना चाहिए। तुलसी पर जो मंजरी लगती है उसे अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिक मंजरी वाला तुलसी कष्ट में होती है, तुलसी को कष्ट में नहीं रखना चाहिए। बस यही वजह है कि आपको अपने घर में ज्यादा मंजरी वाला तुलसी का पौधा भी नहीं रखना चाहिए। तो यह आपको ध्यान रखना है कि आपका तुलसी का पौधा कैसा है, वह पीला तो नहीं पड़ रहा है, वह सूखा हुआ तो नहीं है। उसके ऊपर यदि मंजरी ज्यादा भी आती है तो वह मंजरी भी आप निकाल कर तोड़ दें, और इसे जल प्रवाहित करें या अन्य किसी आप मंदिर में गार्डन में लगा दें इसे, ताकि नया पौधा इससे बन पाए। ये तुलसी के बीज ही होते हैं एक तरीके से, और आपको ऐसी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए जब हमारे घर में कोई निधन हो जाता है। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान दें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में किसी का निधन हो जाता है तो उसके पास की सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर तुलसी के पास किसी की जान गई है या किसी का निधन हुआ है या आपके घर परिवार में निधन हुआ है, तो आप जब भी घर शुद्ध होता है, अर्थात जो भी नित्य क्रिया होती है, जो भी आपने क्रियाक्रम के कार्य होते हैं वह जब पूरे हो जाए, तो उसके बाद आप नई तुलसी का पौधा भी अपने घर पर लेकर आए। दोस्तों, पुरानी वाली तुलसी को आप या तो जल प्रवाहित कर, इसी प्रकार से तुलसी के पत्ते अगर पीले होकर किसी कारण की वजह से लगातार झड़ रहे हैं तो ऐसी तुलसी को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यानी कि लगातार पीले पत्ते पर झड़ रहे हैं, आप उन्हें हटा भी रहे हैं, लेकिन लगातार पीले बहुत अधिक हो रहे हैं, तुलसी सूखे जा रही है, तो इस तुलसी को भी आपको चेंज कर देना चाहिए। यह तुलसी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तुलसी के झड़ते पत्ते घर में अड़चन और अशांति का कारण बन सकते हैं, इससे परिवार की सकारात्मक एनर्जी भी कम होती है। तो आप भली भांति जान ही गए होंगे कि आपके घर में जो भी तुलसी का पत्ता है उसकी देखरेख आप नियमित रूप से करें। सुबह शाम की उसकी दियाबत्ती हम जो करते हैं नियमित रूप से वह करें। उसके नीचे आप सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, या घी के तेल का दीपक भी आप लगाएंगे तो वह आपके घर आंगन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी का एक ऐसा पौधा है जो कि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में यह रिलीज करता है, इसलिए भी इसे बहुत अधिक शुभ माना गया है घर के लिए।
आई होप आगे से आप जब भी तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आप इन चीजों का ध्यान अवश्य रखेंगे। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।